मटिया महल के और दिल्ली के हर कोने से आए हुए मेरे बहादुर भाई बहन और युवा साथी, शराब की समस्या आप लोग सब समझते हैं। आज यहाँ की महिलाओं ने, खासकर महिलाओं ने जो बताया, ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है। जहाँ जहाँ शराब के ठेके खोले गए हैं, खासकर रिहायशी इलाकों के पास जहाँ जहाँ ठेके खोले गए हैं, और ज़्यादातर रिहायशी इलाकों के पास ही खोले गए हैं, सब जगह वही समस्या है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के लोगों ने 72 दिन तक इस शराब के ठेके के खिलाफ मुहिम चलाई। बहुत बहादुरी से यहाँ की महिलाएं बाहर आईं, बच्चे भी बाहर आए, इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और इस आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं दी गई, और साफ जाहिर कर दिया गया कि ये सरकार शराब की समस्याओं को नज़रअंदाज करके शराब से सिर्फ पैसा बनाना चाहती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जब हम लोग आम आदमी पार्टी में थे, और तब तक चुनाव भी नहीं हुआ था, चुनाव के पहले जब हम लोगों ने इसकी चर्चा करी, शराब की समस्या की, हम लोग ये समझ गए थे, सबको पता है कि भाई शराब की कितनी बड़ी समस्या होती है। सबसे पहले तो जो लोग शराब पीते हैं वो सब पैसा, अपना सारा पैसा, अपनी फैमिली का, बच्चों को पढ़ाने का पैसा, खाने पीने का पैसा भी सब शराब में खर्च कर देते हैं। उसके बाद जब शराब पीते हैं तो तरह तरह के उपद्रव, दंगे करते हैं, चेन स्नैचिंग होती है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, घर में अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ मारपीट होती है। जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं वो एक्सीडेंट कर देते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण शराब है, और एक्सीडेंट का भी सबसे बड़ा कारण शराब है। पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं शराब के कारण। और इसलिए जब हम लोगों ने इस समस्या का अध्ययन किया, जब हम लोगों ने इस समस्या का अध्ययन किया और ये सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल शराबबंदी का कानून बना दें और बोलें कि भाई शराब पूरे दिल्ली में कहीं बिकी नहीं सकती, पूरे देश में कहीं बिकी नहीं सकती, कोई बना नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। इस तरह का कानून कई बार कई राज्यों में बनाया गया, लेकिन उसको लागू करने में बहुत तरह तरह की समस्या आई, और ये देखा गया कि बड़े बड़े माफिया बन जाते हैं, तरह तरह के अपराध शुरू हो जाते हैं जब आप इस तरह के कानून को लागू करते हैं। तब हम लोगों ने ये सोचा कि इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम ऐसा कानून बना दें कि कोई शराब की दुकान बगैर वहाँ के जो स्थाई लोग हैं और खासकर उस इलाके की जो महिलाएं हैं, उनकी सहमति के बगैर कोई शराब की दुकान किसी इलाके में नहीं खोली जा सकती। अब अगर आपने ऐसा कानून बनाया तब क्या होता है कि जो वहां के जो लोकल लोग हैं और खासकर महिलाएं हैं, उनको लगता है कि उनके हाथ में बड़ी भारी शक्ति आ गई, और अगर वो साथ में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर शराब की दुकान खुले,
तो वहां पर शराब की दुकान नहीं खुल पाएगी, और किसी ने अगर खोलने की कोशिश करी तो फिर वो लोग सब खड़े हो जाएंगे। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है और इफेक्टिवली इस कानून का एनफोर्समेंट होने लगता है। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला कि हम नशा मुक्ति चाहते हैं और उसके लिए हम स्वराज का कानून लाएंगे, और उस कानून में ये लिखा होगा कि बगैर वहां के लोकल महिलाओं के सहमति के कोई शराब की दुकान किसी इलाके में नहीं खुल सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद हम लोग तो खैर पार्टी से अलग हो गए, उसके कारण आप लोग जानते हैं। हम लोगों ने ये बात बोलनी शुरू करी कि भाई आप इस तरह के कैंडिडेट्स का चयन कर रहे हैं, कोई पारदर्शिता नहीं कर रहे, कैंडिडेट के नाम आप वेबसाइट पर नहीं डाल रहे जिससे कि लोकल लोग या जो उन लोगों के बारे में कुछ जानते हैं हमको बता सकें कि भाई ये लोग ठीक हैं कि नहीं है। जब हमने ये बात उठाई और ये बात नहीं मानी गई तो चुनाव के बाद हम लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल पार्टी के एक तरह के सुप्रीमो बन गए और वो बस ये चाहते थे कि भाई जो वो बोले, जो वो चाहे वही बात चले। पार्टी में जो लोग रह गए उनकी किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी ये कहने की कि भाई हमने ये वादा किया था कि हम स्वराज का कानून बनाएंगे और लोकल लोगों को ये अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे कि उनकी सहमति के बगैर कोई शराब की दुकान नहीं खुल सकती। और इन्होंने किया क्या, उसका बिल्कुल उल्टा। जैसा आपको अनुपम ने बताया, 399 नए शराब के ठेके दिए गए, नए शराब के लाइसेंस पूरी दिल्ली में दिए गए। यानी कि हर रोज, हर वर्किंग डे, हर रोज एक नया ठेका शराब का लाइसेंस दिया गया। स्थानीय लोगों से तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन जहां जहां स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे जैसे यहां पर, वहां पर भी उनकी आवाज नहीं सुनी गई, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया और उनसे ये बोला गया कि तुम लोग जाओ, हमको तो पैसा कमाना है और पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है शराब। शराब से आप दोनों तरह से पैसा कमा सकते हैं, जिसको आप लाइसेंस देते हैं उससे आप पैसे ले सकते हैं, टेबल के नीचे से काला धन उससे ले सकते हैं, और दूसरा जब वो शराब बिक्री होती है तो उसमें काफी सारा पैसा सरकार के पास आता है। और आज दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी रकम सिर्फ शराब के एक्साइज रेवेन्यू से आ रही है, और वो कहते हैं कि जी हमको तो बड़ा अच्छा है, बड़ा आराम है, हमारा खूब पैसा इस शराब की बिक्री से बन रहा है। यानी कि आप ऐसी चीज की बिक्री पैसा बनाने के लिए करने के लिए तैयार हैं जिससे कि परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, जिससे कि घरेलू हिंसा बढ़ जाती है, उससे आप पैसा बनाना चाहते हैं। उससे वो आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि भाई हम आम आदमी के लिए, हम इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए, इस देश में लोकपाल लाने के लिए, स्वराज लाने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, हमने पार्टी बनाई है। और सिर्फ यही नहीं, देखिए सारे राज्यों में एक कानून बना हुआ है कि कोई भी शराब की दुकान किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल